गुड मॉर्निंग। ओके, पता ही आपको मैं क्या बोलने वाली हूँ, है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास, सॉरी ईवीएस नहीं, मोरल माइंड क्लास। ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे, कल हमने क्या किया था, पेज नंबर 7 पे ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट की थी, है ना। इसमें से हमने गुड क्वालिटीज़ को कल वो किया था, सर्कल किया था। ओके, और हमने क्या देखा था, केयरफुलनेस, डिसिप्लिन और कामनेस वर द गुड क्वालिटीज, वो हमेशा गुड क्वालिटी होती हैं। ओके, आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो पेज नंबर 6 पे जो ये क्वेश्चन थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपने कॉपी में किए होंगे, है ना। उसके बाद फिर हमें ये वाला कॉपी में नहीं करना था, बुक में ही टिक करना था, और इसको भी बुक में ही सर्कल करना था, ठीक है ना। देखो पास से देख लो, इस वाली एक्सरसाइज को बुक में ही टिक करना था, इसको भी बुक में ही टिक करना था, ठीक है। ये जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, इसको इनको आपने कॉपी में किया होगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो है पेज नंबर 7 पे एमसीक्यूज मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मीनिंग जानते हो, इसका मीनिंग होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें चार आंसर दिए जाएंगे, ठीक है, या चार या तीन या पांच, कितने भी, मल्टीपल मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे आंसर्स दिए जाएंगे और उसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको चूज करके उसके ऊपर टिक करना होता है, तो उनको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मल्टीपल मीन्स एम, चॉइस मीन्स सी, क्वेश्चंस मीन्स क्यू एस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एम सी क्यूज, और वैसे इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्या करना होगा, एक क्वेश्चन के जो बहुत सारे आंसर्स दिए होंगे उनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना होगा। ओके, तो चलो हम यही करते हैं। तो पेज नंबर 7 पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हु वॉज टिनी, हु वॉज टिनी, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, ए ऑप्शन जो है उसे कह रहे हैं ये रैबिट, टिनी कोई रैबिट था क्या, ओके। बी ऑप्शन में ये क्या कह रहे हैं, क्रोकोडाइल, वो एक क्रोकोडाइल था क्या, या फिर सी ऑप्शन के हिसाब से वो एक बर्ड था क्या। तो सब बच्चों को पता है कि टिनी कौन था, एक छोटा सा स्मॉल सा स्वीट सा रैबिट था, तो आपको इसके आगे टिक लगाना है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, फिर ये सारे ऑप्शंस लिखोगे ए बी सी, और ए के आगे टिक लगा दोगे, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, हु वॉज टिनी, टिनी वॉज अ रैबिट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन, हु वॉज बिग एंड ग्रीडी, हु वॉज बिग एंड ग्रीडी, ठीक है ना। तो हम इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, फर्स्ट जो दिया है वो है रैबिट, क्या रैबिट था वो, या फिर क्रोकोडाइल था, और या फिर डायनासोर था, ओह माय गॉड। ओके, तो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि हु वॉज बिग एंड ग्रीडी, कौन ग्रीडी था, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के आगे हम टिक लगा देंगे, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो फटाफट इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो दिया है थिंक एंड आंसर, ये देखो इसके नीचे बोल रहे हैं थिंक एंड आंसर, दिखा है, और वो बोलते हैं एच ओ टी एस, हॉट्स,
थॉट्स क्या होते हैं मालूम है? जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के ढेर सारे आंसर्स दिए होते हैं और आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है, इसी तरीके से एक और तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं HOTS, हॉट्स। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। H फॉर हाई, O फॉर ऑर्डर, T फॉर थिंकिंग, S फॉर स्किल्स। ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं और जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया गया है। इस HOT में पूछा है व्हाई शुड वी लिसन टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात क्यों सुननी चाहिए। तो बताओ कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा, क्यों सुननी चाहिए हमें हमारे पेरेंट्स की बातें? क्यों? ताकि जब हम अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हैं, उनकी एडवाइस मानते हैं, तो हम प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। देखा था ना कि टिनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गया था, अदरवाइज क्रोकोडाइल क्या करता, उसे खा के ख़त्म कर देता, मार डालता। तो हमने यही देखा, तो हम इसका आंसर लिख लें। क्वेश्चन बोले हैं Why should we listen to our parents? ठीक है ना? Question is this. So answer क्या होगा इसमें? छोटा सा सिंपल सा आंसर लिखवाना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे लिख देते हैं इसको, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स so that no one can harm us, ताकि हमें कोई भी harm ना पहुंचा पाए। harm मतलब होता है नुकसान, ताकि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा पाए और हम किसी problem में ना फंस जाएं, इसलिए हमको हमारे parents की बातों को सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये answer लिख लीजिए आप। सब बच्चों को कहानी अच्छी लगी होगी मुझे पता है। बेचारा एक छोटा सा खरगोश रोज अपने स्कूल जा रहा है और एक ग्रीडी सा क्रोकोडाइल रोज उसे देख के सोचता था कि वाह कितना सुंदर कितना प्यारा सा रैबिट है, इसको तो मैं खा जाऊंगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं इसको पास बुलाता हूँ। उसने बहुत प्यार से बात करी, छोटू से रैबिट इधर आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर रैबिट को तो पता था कि उसकी मम्मा ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया हुआ है, तो वो तो वहाँ से भाग गया और जल्दी से जाके अपनी मम्मा को हक कर लिया। तो बस इस तरह से जब उसने अपनी मम्मा की बात मानी तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच गया कि क्रोकोडाइल तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, है ना। तो आपने वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। देखो ठीक है, इसमें है टिक राइट व्हाट यू डू एंड टिक क्रॉस व्हाट यू डोंट। अब इसको बुक में ही कर लेना, भले नहीं चाहे कॉपी में करना है, इसको भी कॉपी में करना। इसमें आप जो सेंटेंस दिए हैं इसमें से आप जो जो काम करते हो उस पर राइट लगाना है, जो जो काम नहीं करते हो उस पर रॉन्ग लगाना है, ठीक है ना, उसको क्रॉस कर देना है। बड़ा सिंपल है ये तो। देखें जरा, डू यू अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, क्या आप स्ट्रेंजर से बात करना अवॉइड करते हो? अवॉइड करने का मतलब होता है कि आप उस बात नहीं करते हो। अगर कोई स्ट्रेंजर आपके पास आके बोलता है हेलो तो आप चले जाते हो, इसे कहते हैं अवॉइड करना। आप उसकी बात ही नहीं सुनते हो क्योंकि स्ट्रेंजर से बात करना तो बहुत खतरनाक है, वो स्ट्रेंजर तो बहुत विग्ड भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है ना, इसीलिए। तो इसको मैं बोर्ड पर लिखवा देती हूँ,
इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन, पहले तो ऐसे लिखो, टिक राइट व्हाट यू डू एंड क्रॉस. What you don't, ठीक है. तो अब first जो है वो क्या है, first do you avoid talking to strangers. तो बताओ, राइट. आप स्ट्रेंजर्स से टॉकिंग करना मतलब बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, आप स्ट्रेंजर्स को अवॉइड कर देते हो, ठीक है ना. सेकंड वन, डू यू ओबे योर डैडी व्हेन ही टेल्स यू टू डू समथिंग. जब आपके डैडी, आपके पापा जब कोई भी काम आपको कहते हैं तो आप बात सुनते हो उनकी कि नहीं सुनते हो? सुनते हो, बिकॉज यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई नो. सो डू यू ओबे your daddy when he tells you to do something? So answer is yes ma'am, we listen, we obey our daddy. तो द आंसर विल बी करेक्ट, राइट. टिक. थर्ड वन, डू यू ओबे योर टीचर्स इन द स्कूल. डू यू ओबे द टीचर्स इन द स्कूल? अभी क्लास में होते ना तब पता चलता. आधे से आधे बच्चे तो कोई ओबे नहीं करते. बेचारी मैडम, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, पढ़ लो, होमवर्क करके नहीं लाए. मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैडम मुझे बुखार आ गया था, मैडम मैं तो भूल गया, मैडम मेरी पेंसिल ख़राब हो गई. इतने बहाने करते हो, कोई ओबे नहीं करते हो तुम लोग टीचर को. लेकिन फिर भी सारे छोटे छोटे बच्चे ना बड़े क्यूट लगते हैं. मैम को गुस्सा नहीं आता, मैडम बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा दिखाती है. क्यों नहीं करके लाए हो? एक चाटा पड़ेगा, लेकिन कभी चाटा पड़ता नहीं है, क्योंकि मैडम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत शैतान होते हैं. लेकिन शैतान होते हैं लेकिन फिर भी अच्छे बच्चे होते हैं. तो अब सब बच्चे इसको टिक ही करना, राइट टिक करना, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मेरी बात सब बच्चे मानते हैं, ठीक है. चलो, डू यू ओबे योर टीचर्स इन ए स्कूल? तो इसको हम करेंगे राइट टिक. चलो अब है, ठीक है, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो फटाफट और लिख डालो. अब हम लास्ट देखते हैं. इसमें छोटी सी चीज़ है, लास्ट में लिखा हुआ है लाइफ स्किल, है ना. ये ना तो आपको कॉपी में करना है और ना ही ये बुक में करना है. तो फिर इसका क्या करना है, इसके बारे में सिर्फ हम सुनना है. इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी मम्मा के साथ बैठो या अपने पापा के साथ या दादा दादी के साथ बैठो, और वो जो भी आपको सेफ्टी टिप्स बताते हैं, मतलब वो जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, वो ध्यान से सुनो और उनको प्रॉमिस करो कि आप उनकी सारी बातें मानोगे. यू विल बी ए ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ योर दादाजी, ऑफ योर दादी जी, ऑफ योर पापा एंड ऑफ योर मम्मा, ठीक है. वेरी गुड. तो हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट होता है. तो मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने कम्प्लीट कर लिया, ओबीडियंस. एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी पढ़ी और हमने ये सीखा कि जब हम अपने घर के बड़ों की बात मानते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स की, अंकल्स की, या बड़े भैया या बड़ी दीदी की बात मानते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं और कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक अच्छी सी कॉपी बनाने वाले हैं. कॉपी बना के उसमें चैप्टर का नाम एक ही बार डालोगे, हर पेज पे कोई बच्चा नाम नहीं डालेगा, ठीक है ना. तो चैप्टर वन
ओबीडियंस। उसके बाद हमने हार्ड वर्ड्स लिखे थे, दूसरे पेज पे हम वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। और जो बुक में करने वाली एक्सरसाइज थी वो बुक में ही करेंगे, ओके। और अपनी सारी कॉपीज रेडी कर लो, क्योंकि अभी कल की तो छुट्टी और संडे की छुट्टी और मंडे को रक्षाबंधन, फिर उसके बाद वेनसडे को, क्योंकि अभी सारे फेस्टिवल में तो आप लोग थोड़ा कम पढ़ पाओगे, तो मैं आपको एक दिन और दे देती हूँ, तो नेक्स्ट वेनसडे आप लोग कॉपी सबमिट कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हैप्पी ईद, हैप्पी संडे, हैप्पी रक्षाबंधन, खूब सारा एंजॉय करना, ठीक है। बाय बाय।